वालेकुम। लास्ट फ्राइडे को गवर्नमेंट ने फेडरल बजट अनाउंस किया। थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक बजट जो है वो हमें लगा इन टर्म्स ऑफ ओवर एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो कि हुकूमत ने जो है वो फोरकास्ट किया है, और जो एक्सपेंडिचर साइड है वो हमें अंडरस्टेटेड जो है वो लग रही है। जो इकोनॉमी के इम्पेक्ट्स हैं वो हम लेटर ऑन वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वक्त हम जो है कैपिटल मार्केट और जो बड़े सेक्टर्स हैं उनका इम्पेक्ट जो है वो उनको क्विकली समराइज़ कर लेते हैं। हुकूमत ने सुपर टैक्स को जो है वो कंटिन्यू किया है। डिफरेंट स्लैब्स जो हैं वो इस दफ़ा हुकूमत ने इंट्रोड्यूस की हैं, और उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 10% सुपर टैक्स है, और वो 500 मिलियन से ऊपर जिन कंपनीज के प्रॉफिट्स होंगे उन पे जो है वो एप्लीकेबल होगा। ये सुपर टैक्स जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव है फॉर द टैक्स ईयर 2023। इसका मतलब ये है कि जो फिस्कल ईयर कंपनीज़ हैं वो फिस्कल ईयर 23 में, और जो कैलेंडर ईयर कंपनीज़ हैं वो सीवर 22 के प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जो है वो इसको बुक कर रही होंगी। अक्रॉस द बोर्ड अब ये जो सुपर टैक्स है ये कंटिन्यू होगा अनलेस इसको जो है वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से जो है वो चेंज किया जाता है। इसके ऑब्वियसली तमाम सेक्टर्स पे जो है वो इम्पेक्ट होंगे। कैलेंडर कंपनी जो है वो 2022 पे जो है वो रिकॉर्ड करेंगी और 2023 में उसको इनकॉर्पोरेट कर रही होंगी, और इसी तरह फिस्कल ईयर कंपनीज जून एंडिंग क्वार्टर में जो है वो इसको बुक कर रही होंगी। इसके अलावा जो बोनस पे टैक्स है वो 10% प्रपोजल है कि बोनस पे 10% जो है वो हुकूमत टैक्स लगाएगी, और ये जो इसकी प्राइसिंग होगी ये मार्केट प्राइस पे होगा। सो एक्स होने से पहले की जो भी क्लोजिंग प्राइस होगी उस पे जो है वो ये एप्लीकेबल होगा, एज़ कम्पेयर टू जब ये लास्ट बोनस का टैक्स था जो कि फेस वैल्यू पे इम्प्लीमेंट होता था। इसके अलावा जो लिस्टेड स्पेस है उसमें जो मिनिमम टैक्स है उसको 1.25% से कम करके जो है वो 1% कर दिया गया है, और ये टैक्स सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए जो है वो एप्लीकेबल है। अनलिस्टेड कंपनी जो है वो 1.25% पे ही जो है वो टैक्स दे रही होंगी। एक और टैक्सेशन मेजर जो हुकूमत ने ली है वो एबनॉर्मल गेन्स पे जो है वो टैक्स करने की बात की गई है, जिसमें अप टू 50% का जो है वो टैक्स रेट प्रपोज हुआ है। यहाँ पे हुकूमत ने फाइनेंस बिल में तीन वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, जिसमें पहला जो है वो करेंसी की मूवमेंट जिससे फॉरेन एक्सचेंज गेन्स ड्राइव होते हैं, सेकेंडली कमोडिटी की मूवमेंट जिससे आपके इन्वेंट्री गेन्स जो हैं वो ड्राइव हो रहे होते हैं, और तीसरा एनी एबनॉर्मल इनकम और गेन जो कि एक बहुत ब्रॉडर टर्म है और जिसमें काफ़ी किस्म के जो है वो इनकम जो है वो आ सकती हैं। हमारा अपना स्टांस ये है कि ये टैक्सेशन मेजर जो प्रपोज़ की गई है ये काफ़ी ज़्यादा लिटिगेशंस को जो है वो अट्रैक्ट करेगी, और देयर इज़ अ ब्राइट चांस कि इसको जो है वो फाइनेंस एक्ट में जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। ईएनपी सेक्टर पे जो है वो सुपर टैक्स का जो एडिशनल 6% है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, और इसके अलावा विंडफॉल लेवी जो प्रपोज़ की गई है उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, गिवन जो ईएनपी सेक्टर है उसके डॉलर डिपॉजिट्स हैं और उस पर जो है वो फॉरेन करेंसी गेन जो है वो ईएनपी कंपनीज जो है वो बुक करती हैं। इसके अलावा माइनिंग प्रोजेक्ट को हर किस्म के इनकम टैक्स और इम्पोर्ट जो के प्लांट एंड मशीनरी की है उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। दैट वुड बी पॉजिटिव फॉर ईएनपी सेक्टर, गिवन द फैक्ट के जो लोकल ईएनपी कंपनीज हैं इंक्लूडिंग ओजीडीसी एंड पीपीएल उनकी जो है वो रिकोटेक के प्रोजेक्ट में सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो इनडायरेक्टली लॉन्गर टर्म में जो है वो उनको बेनिफिट होगा। इसके अलावा एक जो चेंज ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर के लिए हुआ है वो पीडीएल की लिमिट के हवाले से। पहले हुकूमत हर साल पीडीएल की एक मैक्सिमम लिमिट अप्रूव करवाती थी, और उसके बाद उसको वो एक तरीके से कैप होती थी, और उस हद तक ही हुकूमत पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो पर लीटर बेसिस पे जो है वो इम्पोज करती है। तो अगर हम इस वक्त देखें तो ये तकरीबन 50 रुपये पर लीटर की लिमिट है फॉर पेट्रोल एंड डीजल, और इस वक्त दोनों प्रोडक्ट्स पे 50 रुपये ही पीडीएल कलेक्ट हो रहा है। अब से आगे जाते हुए फिस्कल ईयर 24 में हुकूमत ने इख्तियार अपने हाथ में ले लिया है कि वो फोर्टनाइटली बेसिस पे जितनी भी चाहे पीडीएल को इम्पोज कर सकती है। फर्टिलाइज़र सेक्टर पे जो है वो सुपर टैक्स का नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, और विंडफॉल का भी जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा गिवन के जो इन्वेंट्री गेन्स हो रहे होते हैं सेक्टर में। इसके अलावा हुकूमत ने जो एग्री लोन्स है उसकी लिमिट 1.8 ट्रिलियन से बढ़ा के 2.2 ट्रिलियन की है, ये ओवरऑल सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। इसके साथ साथ जो यूरिया की इम्पोर्ट है उसके लिए तकरीबन 6 अरब रुपये रखे गए हैं, जो कि तकरीबन 1.25 लाख टन एक्सपेक्टेड है कि सब्सिडी की मद में इस्तेमाल होंगे, और 1.25 लाख टन जो है वो यूरिया इंपोर्ट किया जा सकेगा। इसके अलावा 30 अरब रुपए की जो है वो सब्सिडी की एलोकेशन की गई है फॉर यूरिया पावर प्लांट्स,
ताकि उनकी स्मूथ अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके और मुल्क में फूड सिक्योरिटी को जो है वो अश्योर किया जाए। अगर हम सीमेंट और स्टील सेक्टर की बात करें तो जो PSDP के एलोकेशन है वो 950 बिलियन रुपीज़ जो है वो इस साल हुकूमत ने रखी है, एज़ कम्पेयर टू 727 बिलियन रुपीज़ लास्ट ईयर। इसके अलावा 200 अरब रुपए एडिशनल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मद में भी जो है वो रखे हैं। जैसे कि जो सीमेंट और स्टील की डिमांड होती है वो डायरेक्टली कोरिलेटेड होती है PSDP की स्पेंडिंग से, तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले साल रिलेटिवली सीमेंट और स्टील की डिमांड इस साल के मुकाबले में बेहतर रहेगी। जहाँ तक सुपर टैक्स की बात है तो सीमेंट और स्टील सेक्टर के लिए सुपर टैक्स एडिशनल जो है वो नेगेटिव होगा, और इस तरीके से जो विंडफॉल लेवी का जो टैक्स प्रपोज हुआ है वो भी जो है वो नेगेटिव होगा। स्टील के लिए स्पेसिफिकली जो एग्जम्पशन है GST की फाटा और पाटा रीजन में, उसको हुकूमत ने जो है वो एक साल के लिए कंटिन्यू किया है, तो दिस इज़ स्लाइटली नेगेटिव फॉर द स्टील सेक्टर। इसके अलावा पावर सेक्टर के लिए 894 बिलियन रुपीज़ की जो है वो सब्सिडी रखी गई है, एज़ कम्पेयर टू 870 बिलियन ड्यूरिंग फिस्कल ईयर 2023। एक और चेंज जो पावर सेक्टर में हुआ है वो अब जो जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे GST है उसको जो है ख़त्म कर दिया गया है एज़ पर रिकमेंडेशन बाय नेशनल टैक्स काउंसिल, और अब इसको जो है वो प्रोविंसेस को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और प्रोविंसेस जो है वो सर्विसेज टैक्स की मद में जो है वो टैक्स लेंगे। एक्सपेक्टेशन यही है कि जो GST का रेट था वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा, और कोई मेजर रिलीफ इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन इन पावर टैरिफ जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। IT सेक्टर के हवाले से जो टैक्सेशन है वो 0.2% जो है वो रखी गई है, और उसको अगले 3 साल तक जो है वो लिमिट कर दिया गया है, विच वुड बी फिस्कल ईयर 2024, फिस्कल ईयर 2025 एंड फिस्कल ईयर 2026। तो ये हुकूमत का अच्छा इकदाम है, क्योंकि IT सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, और ये हमारी एक्सपोर्ट्स में भी जो है वो आगे जाते हुए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो हुकूमत ने इस चीज़ को मद्दर रखते हुए IT सेक्टर पे टैक्सेशन को है उसी लेवल पे रखा है। ऑटो सेक्टर के लिए जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ हैं एशियन मार्केट्स की, जैपनीज़ गाड़ियाँ आई वुड से, उन पे जो ड्यूटी की लिमिट थी उसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, और अब एक्सपेक्टेड है कि जो जैपनीज़ गाड़ियाँ हैं 1300 cc एंड अबव वो जो है वो स्लाइटली एक्सपेंसिव हो जाएंगी। इसके अलावा जो हाइब्रिड गाड़ियों पे रिड्यूस ड्यूटी थी अब वो एप्लीकेबल सिर्फ़ उन्हीं असम्बलर्स को होगी जो कि वो वेरिएंट लोकल असम्बल जो है वो करेंगे। एक्सपेक्टेड है कि जिस तरह कुछ लोकल ऑटोमोबाइल असम्बलर्स इंक्लूडिंग इंडस मोटर उसमें हाइब्रिड गाड़ी लॉन्च करने का इरादा रखते हैं, वो जो है वो अब इस रिड्यूस ड्यूटी रेट पे जो है वो वही सेम वेरिएंट को जो है वो इंपोर्ट कर सकेंगे। इसके अलावा लास्टली जो हैवी कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसकी ड्यूटीज़ को जो है वो कम किया गया है, CKD ड्यूटीज़ को कम किया गया है, तो एक्सपेक्टेड है कि जो लोकल ऑटोमोबाइल असम्बलर्स हैं जो कि बेसिकली ट्रक्स बनाते हैं उनको जो है वो इससे बेनिफिट होगा। सो दिस इज़ इट फ्रॉम दी कैपिटल मार्केट साइड। हमने जो है वो कोशिश की कि जल्द अज जल्द डिफरेंट सेक्टर्स को जो है वो कंक्लूड किया जाए। अब हम आगे जाते हुए जो हुकूमत के की बजटरी नंबर्स हैं और जो हुकूमत की एक्सपेक्टेशन है विद रिस्पेक्ट टू फिस्कल 2024 उसको डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। फिस्कल ईयर 2024 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है फ्राइडे के दिन बजट अनाउंस किया, और इस बजट का टोटल आउटले 14.5 ट्रिलियन रखा गया है। अगर यही हम कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो तकरीबन 30% का जंप है इस टोटल आउटले में। अगर हम बात करें रेवेन्यू साइड पे तो जो FPR को टारगेट दिया गया है वो 9.2 ट्रिलियन का है, कंपेयर टू लास्ट ईयर ये तकरीबन जंप बनता है 28% का। ये जो 9.2 ट्रिलियन का टारगेट है इसको अचीव करने के लिए डिफरेंट मेजर्स जो है अनाउंस किए हैं गवर्नमेंट ने। इसमें कंटिन्यूएशन ऑफ सुपर टैक्स है एट अ हायर रेट, और इसके अलावा जो है जो मिनी बजट में मेजर्स अनाउंस किए गए थे उनकी कंटिन्यूएशन है, और इसके अलावा दीगर मेजर्स जो हैं अनाउंस किए गए हैं। हमें लगता है ये जो 9.2 ट्रिलियन का टारगेट है ये ऑप्टिमिस्टिक है, और FBR जो है तकरीबन 9 ट्रिलियन तक का जो है रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएगी फिस्कल ईयर 2024 में। एक्सपेंडिचर साइड पे मेजर एक्सपेंस जो एक्सपेक्टेड है वो करंट एक्सपेंडिचर है, जो कि तकरीबन 13.2 ट्रिलियन फिस्कल ईयर 2024 में गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है। इस करंट एक्सपेंडिचर में जो मार्कअप एक्सपेंस है वो तकरीबन 7.3 ट्रिलियन गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है फॉर फिस्कल ईयर 2024। हाउएवर वी बिलीव कि ये जो नंबर है ये इससे ज़्यादा आ सकता है, और उसकी भी दो वजूहत हैं।
एक तो हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो एंड डेट एक्यूमुलेशन। इसके अलावा डेवलपमेंट साइड पे गवर्नमेंट जो टारगेट कर रही है अगले साल का एक्सपेंडिचर वो तकरीबन 2.5 ट्रिलियन है, जिसमें से फेडरल PSDP 950 अरब रखा गया है। हमें लगता है चूंकि ओवरऑल फिस्कल स्पेस जो है लिमिटेड रहेगी, सो उसकी वजह से ये नंबर, अगर हम बात करें इसके साथ ही फिस्कल डेफिसिट की, तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है टोटल फिस्कल डेफिसिट ऑफ अराउंड 7 ट्रिलियन, जो कि GDP का परसेंटेज तकरीबन 6.5 बनता है। वी आर एक्सपेक्टिंग ये जो फिस्कल डेफिसिट का नंबर है ये 7 ट्रिलियन से ऊपर रहेगा, और इसकी मेन वजूहत हैं एक तो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल, दूसरा एक्सपेंडिचर का टारगेट से ज़्यादा होना। वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये तकरीबन 7% रहेगा ऑफ द ओवरऑल GDP। फिस्कल डेफिसिट की फाइनेंसिंग के लिए गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग तकरीबन 5 ट्रिलियन वुड बी रेज फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज, और बाकी जो है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से एक्सपेक्ट कर रही है। इस बजट में बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड 4 से 5 टैक्सेस हैं जो इस सेक्टर को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेजर है वो है सुपर टैक्स की कंटिन्यूएशन, बट जो रेट है सुपर टैक्स का वो 4 से बढ़ा के 10% कर दिया गया है बैंकिंग सेक्टर के लिए। इसका जो इम्पैक्ट है हम नेगेटिव देख रहे हैं ऑन द बैंकिंग सेक्टर। अगर हम अपने कवरेज कंपनीज की बात करें तो तकरीबन 11% से प्रॉफिटेबिलिटी बैंक्स की कम होती है इस कैलेंडर ईयर 23 में। इसके अलावा जो टैक्स मेजर्स प्रपोज किए गए हैं उसमें कैश विड्रॉल पे नॉन फाइलर के लिए विदहोल्डिंग टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसके अलावा अगर कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करता है किसी प्रीपेड कार्ड से डेबिट या क्रेडिट, तो उस पर भी टैक्स जो है अब लागू होगा। फाइलर के लिए ये तकरीबन 1 से लेके 5 तक की रेंज है, और नॉन फाइलर के लिए 2 से लेके तकरीबन 10% की रेंज बनती है। इसके अलावा एक और जो टैक्स मुतारिफ किया गया है वो बेसिकली विदहोल्डिंग टैक्स है उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेंस पे जो कि एक्सोजेनस फैक्टर्स की वजह से जो है बैंक ने गेंस कमाए हों। मोस्ट प्रॉब्ली बैंक्स के लिए ये जो टैक्स है इनके एफएक्स गेंस पे लगाया जा सकता है। इसके अलावा एक जो रिलीफ मेजर बैंक्स को दिया गया है उन बैंक्स को जो कि लो हाउसिंग स्कीम्स या एग्रीकल्चर SME और IT रिलेटेड लोन्स एक्सटेंड करेंगे, तो उनको जो है कंसेशनरी रेट टैक्स रेट अप्लाई होगा ऑफ 20%। सो ओवरऑल बैंक्स के लिए अगर देखें तो सिवाय कंसेशनरी रेट के लिए बाकी मेजर्स जो हैं नेगेटिव हैं। हाउएवर वी बिलीव अगर हम मल्टीपल्स पे देखें तो बैंकिंग सेक्टर राइट नाउ इज ट्रेडिंग एट अ मल्टीपल ऑफ 0.5 प्राइस टू बुक, और प्राइस टू अर्निंग्स पे 2.8 के मल्टीपल पे बैंकिंग सेक्टर ट्रेड हो रहा है, जो कि अपने हिस्टोरिक लेवल से अभी भी डिस्काउंट पे है। इसके साथ ही जो बैंकिंग सेक्टर है इन लेवल्स पे ल्यूक्रेटिव रखते हैं और कंसिडर किए जा सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। थैंक यू।